पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकले हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकले हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। पकड़ लिया। ध्रुव राठी ने इस विष को काउंटर करने के लिए यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो पूरी तरह से अपमान और ईर्ष्या से भरा हुआ है। ध्रुव राठी ने अपने पूरे वीडियो में जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं या तो वो अधूरे हैं या गलत हैं। तो आइए जानते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में किसका अपमान किया है और कौन से तथ्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए। एक एक करके इनके कथनों का हम धागा खोलते हैं। सबसे पहले ध्रुव राठी का आप ये बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, कभी पिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकले। इस बयान में मुझे 3 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति कि एल्विस यादव की तुलना उपलों से की गई है। मतलब आपको इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए कि आप एल्विस यादव की तुलना उपलों से कर रहे हो। मैं मानता हूं कि उपले गंध फैलाते हैं, लेकिन जो गंध इसने फैलाई है उससे तो कम गंध उपले फैलाते होंगे। फिर भी आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इस गंध की तुलना उपलों से कर रहे हो। कम से कम उपले एक समय के बाद प्रयोग तो रहते हैं समाज के लिए, कि थोड़ी देर गंध रहती है, सूख जाने के बाद किसी ना किसी के काम आ जाते हैं। पर जो ये गंध फैला रहा है, गन कल्चर की गंध, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने की गंध, मारपीट की गंध, गाली गलौज की गंध, झूठी लाइफस्टाइल की गंध, इस गंध से समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ना ये वर्तमान में समाज के काम आएगा, ना इसके विचार भविष्य में समाज के काम आएंगे। तो तुमने किस आधार पर उपलों की तुलना इस गंजेड़ी से कर दी? ऐसा नहीं है कि ये गंध फैला रहा है, इससे भी बुरे बुरे ऐसे माइटम है समाज में जो गंध फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे इन बेवड़ों को देखिए, अपने आप को एक्टर कहते हैं। एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना और एक्टिंग करके समाज को उस दिशा में ले जाना जिससे समाज का उद्धार हो। लेकिन चूंकि ये बेवड़े हैं, एक्टिंग का नकाब पहने हैं, तो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने बोल्ड हैं। तो जो लोग इनको अनुसरण कर रहे हैं वो इनकी जीवनचर्या, इनकी लाइफस्टाइल को भी अनुसरण करेंगे। तो ये बेवड़े हैं, ये चाहते हैं कि समाज भी बेवड़ा हो जाए तो समाज एक जैसा दिखे। अगर दारू पीना नहीं सीख पा रहे तो पान मसाला खाना सीख लो। खुद का लड़का जब ड्रग्स में पकड़ा गया तो हाय तोबा मचा दी। मतलब खुद का लड़का नशा ना करे, दूसरों के लड़कों को बोलते हो कि केसर में उंगली। तो जब दूसरों के बच्चों को तुम प्रोत्साहित करोगे तो तुम एक्टर नहीं हो, एक्टर के नकाब में वो गंध हो जो समाज को गंदा करते हुए घूम रहे हो। और एक गंध ये भी है मीडिया के नाम पर। ये वो गंध है जो समाज में उन मुद्दों पर कभी बात नहीं करेगी जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, कोई मुद्दे की बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिनभरा टूट रहे हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं है। रोजगार मिल नहीं पा रहा है, वो मुद्दे की बात नहीं है। लेकिन जहर फैलाना है, गंध फैलाना है, तो उसी गंदगी का हिस्सा है जिसकी तुम अभी तुलना कर रहे थे उपलों से। तो इन लोगों की उपलों से तुलना करना उपलों का अपमान है। तो तुमने उपलों का अपमान किया है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये रहे तुम्हारे सामने उपले, इनसे आप माफी मांगो। सॉरी सॉरी सॉरी। ये चित्र जो आपने लगाया है, उपले कम्युनिटी तुम्हारे ऊपर केस कर सकते हैं कि तुमने हमारी तुलना इस गंध से कैसे कर दी। मेरी दूसरी आपत्ति कि जो आपने ये उपले दिखाए हैं, ये उपले किसके हैं? माने भैंस के हैं या गाय के हैं? मैटर करता है, अगर भैंस के हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गाय के हैं तो वो अंधभक्त तुमको एंटी नेशनल कहेंगे। जो अंधभक्त आंखों में पट्टी बांध लेते हैं उनके लिए जो बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं, तब गाय का अपमान नहीं हो रहा है। तो ये क्लियर कीजिए कि जो तुमने ये उपले दिखाए हैं, ये उपले किसके हैं, भैंस के या गाय के हैं? अगर भैंस के हैं तो कोई बात नहीं, अगर गाय के हैं तो एंटी नेशनल हो, अपमान किया है तुमने उपलों का। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अक्का कोई मारेगा, चौका कोई मारेगा, वो फटाफट उठा के धड़ 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 धड़। और मेरी तीसरी आपत्ति कि जो ये कहावत आप बोल रहे हो कि बेतोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे, एक्चुअली हमारे यहाँ कहावत इससे थोड़ी बढ़कर है। आपने गधा देखा होगा, गधा जब मुंह खोलेगा तो ढेंचू ढेंचू ही करेगा। इसीलिए ये जो गंजेड़ी है ये उस कैटेगरी का है जिसने समाज में गंध फैला के रखी हुई है। और ऐसे ना जाने कितने हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं और इन्हें समाज में इज्जत चाहिए, जबकि इज्जत जैसा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं किसी भी यूट्यूबर का समर्थन या विरोधी नहीं हूं, मैं बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो समाज में गलत हो रहा है और कुछ भी ऐसा काम जो समाज में बच्चों को गलत दिशा में ले जा सकता है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। हमें अपना और पराया नहीं देखना चाहिए, पर हम क्या करते हैं कि किसी का भी अनुसरण करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि इसका नुकसान हमें कितना होना है।
आप ये देखो कि आपके घर की कंडीशन क्या है, आपका बच्चा कर क्या रहा है, मोबाइल में देख क्या रहा है, जो वो देख रहा है, जो उसके अंदर होगा वही उसके बाहर होगा। गिलास से अगर पानी छलक रहा है इसका मतलब गिलास में पानी था, तुम्हारे बच्चे के अंदर वही छलकेगा जो उस बच्चे के अंदर होगा। अगर हवस होगी तो वो समाज में हवस फैलाएगा, अगर नशे के गुण होंगे तो नशा फैलाएगा। अगर वो अच्छे समाज बनाना चाहता है तो अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा। ऐसे गंजेड़ियों को सुनने से हमारे बच्चों का भला नहीं होगा, हमारे समाज का भला नहीं होगा। अब अगला बयान सुनते हैं और उसके धागे खोलते हैं। करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। मतलब इस वीडियो में अपमान पे अपमान करते जा रहे हैं, पहले उपलों का अपमान किया है, अब कौओं का अपमान कर रहे हो। मतलब कौवा काय काय करता है और तुम इस बेसुरे से कौवे की तुलना कर रहे हो। कौओं का सरदार बुरा मान जाए, सॉरी कौओं का सरदार बुरा मान जाएगा अगर तुमने इस बेवड़े की, इस फटे हुए बांस की तुलना कौओं से की। तो कम से कम अपमान तो मत करो अगर तुम किसी का सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो। इसीलिए दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखिए तो ही आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, खासकर ऐसे बेवड़ों का, ऐसी गंद का, तो तुम एंटी नेशनल कहलाओगे, तो तुम जर्मन सेफर्ड कहलाओगे। और अगर तुम इनका सम्मान करोगे जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हो, तो तुम राजा कहलाओगे। तो तुमको यूट्यूब क्रिएटिव का अवार्ड भी मिलेगा, तो तुम सबकी नजरों में क्रिएटिव यूट्यूबर बन जाओगे। अगर आलोचना करोगे तो तुम कुछ नहीं हो, एंटी नेशनल हो। आइए अब ध्रुव राठी का अगला बयान सुनते हैं। एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा, सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझमें 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर? ये जो काए काए करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तुम दम की बात करते हो, वो भी एल्विश यादव के लिए दम की बात कर रहे हो। अरे एक बार उसे घटिया प्रजाति से तुम मिलवा कर तो देखो, जब वो इस प्रकार की घटिया प्रजाति के नशे से मिलता है तो उसके अंदर जो ताकत आती है बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे तमराज किल्विस जब वो मणि को छूकर ताकतवर हो जाता था, तो तमराज किल्विस में एक ताकत आ जाती थी। अगर इसकी असली दम देखनी है तो इसके हाथ में गांजा पकड़ा दो, इसकी अगली ताकत देखनी तो इसके हाथ में दारू बियर पकड़ा दो, और फिर देखो कैसे ये थप्पड़बाजी करते घूमता है पूरे एरिया में। तुम दम की बात कर रहे हो, इस बेवड़े के हाथ में नशा तो पकड़ाओ, वो तमराज किल्विस की तरह अंधेरा ही अंधेरा फैला देगा। आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूं ध्रुव राठी जी कि आप जिसकी बुराई कर रहे हो वो हमारे समाज का बंटाधार करने में लगा हुआ है, और जो हमारे समाज का बंटाधार कर रहे हैं, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई अभिनेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो वीडियो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो, अगर उनके विरोध में बोला जाएगा तो एंटी नेशनल कहलाओगे, माँ बहन की गालियां खाओगे, गलत गलत शब्दों से उच्चारण किया जाएगा। अगर इतनी कुव्वत है सुनने की, जो कि सुन रहे हो तो सुनते रहिए, आप नेशनलिस्ट उनके लिए हो जो जानते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है, जो देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ध्रुव राठी की बातें उनके दिमाग में घुसती होंगी, समझ में भी आती होंगी। ध्रुव राठी के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, उनकी कुछ बातों का पूरी तरह से मैं विरोध करता हूं, लेकिन उतना तो पक्षधर हूं कि अगर कई यूट्यूबर की तुलना में ध्रुव राठी से करूं तो कम से कम जो वो नॉलेज देता है वो उस दिशा में देता है जिस दिशा में हमें सही दिशा मिल पाए, तर्क करने की शक्ति मिल पाए। वो नशे को प्रमोट नहीं करता ध्रुव राठी, वो गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करता ध्रुव राठी, वो किसी ऐसे प्रकार के कदाचार को प्रमोट नहीं करता है जिससे हमारे बच्चे खराब हों। पर उसके ऊपर आरोप वो लोग लगाते हैं जो इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं जिसमें गैम्बलिंग है, गाली गलौज है, नशा है। वो ये बताते हैं कि ये एंटी नेशनल है और यह और कहीं से फंडिंग ले रहा है, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। पर मुद्दा ये है कि एंटी नेशनल की परिभाषा क्या है, कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल देना एंटी नेशनल है, कि किसी एक धर्म के बारे में बोल देना एंटी नेशनल है। राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब आप और हम, राष्ट्र का मतलब ये हमारी संपत्ति, राष्ट्र का मतलब हमारा भाईचारा। तो हमको ये समझना होगा कि भारत जो है ना वो हम सब से मिला हुआ है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है। जब हम एक साथ देखेंगे, और उसमें नुकसान अंत में हमें ही होगा, अगर पुल टूट रहे हैं तो मर हम रहे हैं, कोई राजनेता नहीं मरेगा। अगर सड़कें धस रही हैं तो उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, किसी राजनेता का नहीं हो रहा है। अगर एयरपोर्ट की छतें टूट रही हैं तो उसमें हम लोग मारे जा रहे हैं, कोई राजनेता नहीं मारा जा रहा है। पर हम किसके पीछे फंसे हुए हैं कि इन आधारभूत संरचनाओं को, उन आवश्यकताओं को जिससे हमारा और हमारे बच्चों का कल्याण हो सकता है, उनको छोड़कर हम ऐसी गंद के पीछे फंसे हुए हैं जो सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं, और वो कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे हम लोग भावुक हो जाते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो जय श्री राम, अगर हम मुस्लिम हैं तो अल्लाह अकबर, अगर हम दलित हैं तो जय अम्बेडकर, हमको लगता है कि यही पर्याप्त हो गया। पर जो हमको चाहिए वो हमें कभी नहीं देंगे, और जब वो हमको नहीं देंगे
जो आधारभूत आवश्यकता है जीना हमें उन्हीं आधारभूत आवश्यकताओं के बीच में है। इसलिए मेरा सभी पब्लिक से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना हो सके अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने बच्चों को देखिए कि वो किसका अनुसरण कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का भी आंख बंद करके अनुसरण किया जाना चाहिए। अपने बच्चों में तर्क करने की शक्ति दें, प्रश्न पूछने की ताकत दें कि कोई भी हो प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर चीजें आगे जाएंगी। खासकर इन तथाकथित सेलिब्रिटियां, तथाकथित इन्फ्लुएंसर, गाली गलौज करने वाले यूट्यूबर्स, गेमिंग सिखाने वाले यूट्यूबर्स, ये हमारे बच्चों का बिल्कुल भला नहीं चाह रहे हैं। इनसे दूरी बना के रखें। आप पूरी तरह से डिजिटल मीडिया से बच्चों से दूरी बनाकर रखें और वो सिखाएं जो आपने अपने जीवन में सीखा है। बच्चों पर ध्यान दें, राष्ट्र जरूर मजबूत होगा। बच्चे कमजोर, राष्ट्र कमजोर। जय हिंद, जय भारत।